हेलो किड्स, वेलकम टू टीटू लर्निंग। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्लैनेट यानी कि धरती पर यानी कि अर्थ पर एकदम से अचानक से एनिमल्स बहुत सारे बढ़ जाएं, या फिर ऐसा हो कि पेड़ पौधे एकदम से बहुत सारे बढ़ जाएं, तो क्या होगा? सोचा है कभी? तो आज सोचते हैं अगर अब तक नहीं सोचा है। जी हाँ, अगर एकदम से बहुत सारे जानवर हो जाएंगे तो उन सब जानवरों को खाने के लिए तो चाहिए ना कुछ ना कुछ, बट उनके लिए इनफ खाना ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत से जानवर होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, तो उनके लिए इनफ खाना नहीं होगा। और अगर अचानक से पेड़ पौधे ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके लिए सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। ये तो आप जानते हैं ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना किससे बनाते हैं? जी हाँ, वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम ह्यूमन एंड एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसी से और सनलाइट से एंड सॉइल के साथ मिलकर के सारे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो सोचिए कि अगर एकदम से जानवर कम हो जाएंगे या ह्यूमंस कम हो जाएंगे एकदम से, तो जो सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए होती है वो उनको नहीं मिल पाएगी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्लैनेट पे एक सफिशिएंट बैलेंस चाहिए होता है। यहाँ पे आप साइकिल में देख सकते हैं कि जो मंकी है, मंकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनिमल्स को एंड ह्यूमंस को। तो वो जब ब्रीद इन करते हैं यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या छोड़ देते हैं? जी हाँ, वो छोड़ देते हैं CO2 को छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे बनाते हैं अपना खाना, और इस प्रोसेस में वो फिर से छोड़ते हैं ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन को हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीद इन करते हैं और सर्वाइव करते हैं। हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो राइट अमाउंट में प्लैनेट पे पेड़ पौधे भी होने चाहिए एंड एनिमल्स भी होने चाहिए, और उसी से हमारे नेचर का बैलेंस बन पाता है। तो बैलेंस इन नेचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम एक दूसरे से हैं, प्लांट्स से हम हैं और हमसे ही प्लांट्स हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि सारे एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर जाने चाहिए। जैसे कि आपने जाना होगा कि टाइगर्स बहुत जल्दी कम हो रहे थे, तो एक एक करके इस तरीके से अगर स्पीशीज कम होती जाएगी तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है। और जो हमने देखा कि उस साइकिल में एक सर्कुलेशन की दिक्कत आएगी, यानी कि दूसरे से हम हैं, यानी कि प्लांट से एनिमल्स से हम हैं और हमसे ये सब हैं। तो नेचर में हर एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको लाइफ में कभी कोई कहे ना कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तो एटलीस्ट आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उससे कोई ना कोई प्लांट जिंदा है। तो इसलिए कभी भी किसी को ये ना कहने दें कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आप अर्थ पे बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो बैलेंस इन नेचर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यू टू आर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू, बाय बाय।